नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई हूँ जो संबंधित है 40,000 पदों पर अगले माह से शुरू होगी भर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, भर्तियों से संबंधित आज की जानकारी है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे किस पद पे कितनी भर्ती है और कैसे क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस पद पर कितनी भर्तियां आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आईटीआई अनुदेशक की 2,504 भर्ती आने वाली है और लेखपाल की 8,085, एनएम की 9,212 भर्तियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और गन्ना पर्यवेक्षण की भर्ती 2,500 आएगी और कनिष्ठ सहायक की 2,000 पद है, प्रयोगशाला सहायक की 1,200 पद है, ईओ व जेई के 2,200 पद है, रोडवेज के 15,000 पद है और सिंचाई विभाग में 800 पद है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा। विभागों से इन रिक्त पदों का ब्यौरा उसे मिल चुका है। तीन भर्तियों के लिए विज्ञापन भी निकाला गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता होने से इन्हें रोक दिया गया। आयोग मौजूदा समय विभागों से आई हुई रिक्तियों का मिलन करा रही है। और इसमें कितनी भर्तियां सम्मिलित होंगी भर्तियां, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सामान्य आयोग योग्यता यानी इंटर या इसके समकक्ष और स्नातक व तकनीकी दक्षता वाले पदों की भर्तियां एक साथ करेगा। इसके लिए एक साथ विज्ञापन निकालने के साथ ही परीक्षाएं भी एक साथ कराई जाएंगी, जिससे तय समय से अंदर इन भर्तियों को पूरा किया जा रहा है। आयोग भर्तियों के लिए सामान्य योग्यता वाले पदों को अलग अलग करा रही है, जिससे आचार संहिता खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन निकालते ही वे भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। आयोग इसके साथ ही मौजूदा समय बैकलॉग यानी रुकी हुई भर्तियों को पूरा कराने में जुटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और प्रवीण कुमार जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इन्होंने कहा है आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित करा दी गई है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश जितने भी बेरोजगार हैं और सबके लिए यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपकी तैयारी हो सकता हो उस लायक हो कि आप परीक्षा में सफल हो जाए, और आप फॉर्म जरूर फिलअप करिए अगर आपकी योग्यता है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आप के पास सबसे पहले पहुंच सके। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए सूचनाएं लेकर आती रहती हूं, तो इसलिए आप मेरी वीडियो पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय जय हिंद, वंदे मातरम।